शिवपुरी के जिला अस्पताल में महिला की डिलीवरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महिला की डिलीवरी अस्पताल परिसर में ही हो गई। वहीं इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है। इस दौरान महिला को स्ट्रेचर तक बाहर नसीब नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार पति अरुण परिहार ने बताया कि वह खतौरा का निवासी है। उसकी पत्नी वाला वाई परिहार की डिलीवरी का समय था। इस दौरान पेट में दर्द होने की शिकायत पर वह खतौरा के स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचा, जहां से महिला को शिवपुरी भेज दिया गया था। एम्बुलेंस को फ़ोन किया, एम्बुलेंस भी एक घंटे लेट पहुंची। इसके बाद महिला का दर्द रास्ते में बढ़ता गया, जिसके बाद पति ने ड्राइवर से कहा कि कोलारस स्वास्थ्य केंद्र में ही ले चलो, लेकिन ड्राइवर ने मना कर दिया, शिवपुरी लेकर जाएंगे। वहीं एम्बुलेंस जैसे ही शिवपुरी जिला अस्पताल पहुंची, तो अस्पताल परिसर में जैसे ही एम्बुलेंस का प्रवेश हुआ तो अस्पताल परिसर की ज़मीन पर ही महिला की डिलीवरी हो गई। वहीं पति ने बताया कि अगर कोलारस स्वास्थ्य केंद्र में महिला को भर्ती कराते तो वहां पर सुरक्षित डिलीवरी हो जाती। हालांकि अस्पताल परिसर में डिलीवरी होने के बाद तुरंत ही उस महिला को स्ट्रेचर की सहायता से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर ने जच्चा बच्चा स्वस्थ होने की बात कही। महिला के यहां है दूसरी डिलीवरी। महिला के पति अरुण परिहार का कहना है कि पत्नी की यह दूसरी डिलीवरी है, वहीं दोनों डिलीवरी स्वस्थ हैं और जच्चा बच्चा स्वस्थ है, लेकिन इस तरह खुलेआम डिलीवरी होना एक अच्छी बात नहीं है। वहीं ये एक चिंताजनक विषय। सर अरुण परिहार खतौरा। कहाँ रहते हो अरुण जी? खतौरा जी। कौन है आपकी जो डिलीवरी हुई बाहर हुई? मेरी घरवाली है ये सर। तो पहली डिलीवरी है, दूसरी डिलीवरी है सर जी। तो कैसे क्या हुआ ये अस्पताल के बाहर इसकी? सर मैं खतौरा से लाया तो उसका पेट दुख रहा, तो उनने बोला कि सीपरी ले आओ। मैं सीपरी ले एम्बुलेंस आई, लेट आ गई एम्बुलेंस सीपरी पे भी, खतौरा पे। कितनी देर बाद आई? खतौरा पे आई सर, एक घंटा लग गया उसके लिए आने के लिए बदरबाद से। इसके बाद टाइम लग गया, इसके बाद फिर धीरे धीरे एम्बुलेंस आई। आराम उसका बहुत दर्द हो रहा था। मैंने इन पवन भैया से भी कही, मैंने कही कॉलरस रोक लो ना भैया, इसका दर्द भारी हो रहा है। तो इन लोगों ने नहीं रोकी, तो मैं सीधा यहाँ चले, यहाँ पर दर्द हो गया, लड़का ही हो गए। आपने ही उतारी थी एम्बुलेंस से? मैंने ही उतारी सर, पकड़ के उतारी। ये पापा कागज लेने चला गया, तो मैंने उतारी थी उनके लिए। तो मुझसे थुच बसा जाएगा, इतना बड़ा खूब वजन मुझ से थुच छाड़िएगा। तो इतने के भगवान से हो गया, बढ़िया कोई बात नहीं। क्या हुआ है आपके यहाँ, बच्चा या लड़का? मैंने नहीं देखा सर अभी। आप देखा? अच्छा, तो ये क्या नाम है, आपने कॉलरस रोकने की बात कही थी, तो हाँ, नहीं रोका इन्होंने? ये बोले सीपरी ले जाएंगे, सीपरी बोले। कॉलरस रुक जाती तो हो सकता था, वो नहीं। हाँ, ऐसी नौबत नहीं आती, बाहर की दुनिया देखता है, गरीब आदमी इनके लिए करा जाता है, ऐसा गलत होता है। क्या नाम है आपकी पत्नी का? बाला भाई। बाला भाई, एम्बुलेंस चालक। ये महिला की डिलीवरी हुई है, कहाँ से लेके आए हो आप इसको? खतौरा से। खतौरा से क्यों ये बाहर हो गई, क्या कारण रहा इसका डिलीवरी? जानकारी नहीं, मैं तो अंदर चला गया स्ट्रेचर लेने के लिए। फिर आपने इनको एम्बुलेंस से नीचे कैसे उतार दिए? मैंने नहीं उतारा, मैं तो अंदर गया, स्ट्रेचर लेके आया, मुझे पता नहीं है कैसे उतरे। आपको पता ही नहीं है? हाँ, मैं तो अंदर लेने चला गया। मामले की पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है अभी। मेरे पास कुछ अटेंडर्स आए थे कि सर बाहर एक पेशेंट लेटी हुई है और एम्बुलेंस वाला उसको छोड़ गया है। तुरंत मैंने वार्ड बॉय को लेकर स्ट्रेचर लेकर उसको अंदर सेट करवा दिया है। डिलीवरी उसकी हो चुकी है, जच्चे बच्चे दोनों सुरक्षित हैं।